आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से, नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ और DAVPG कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुई गांधी जयंती समारोह। भारत के दो महान सपूतों ने न केवल भारतवासियों को अपितु पूरे विश्व को महान नेतृत्व और मानवता का जो अमित संदेश दिया है, उसे आज जगत गुरु की पदवी से अलौकित भारत धन्य हो रहा है। अपने मन, वचन और कर्म में इनकी वैचारिकी को अनुशासित भाव से अपनाकर शिक्षक, छात्र और समाज के सभी वर्ग पुनः एक ऐसी जन क्रांति का अद्भुदय कर सकते हैं जो नए भारत की नई तस्वीर को साकार कर सकता है। उक्त संदेश DAVPG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने कॉलेज परिसर में गांधी जयंती के अवसर पर महाविद्यालय एवं नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संभाषण प्रतियोगिता के दौरान व्यक्त की। जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह ने दोनों महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बताया कि भारत सरकार के माई भारत ऐप के जरिए देश के युवाओं को ऐसे ही महापुरुषों और उनके विचारों से जोड़कर विकसित भारत के शिल्पियों को तैयार किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ की तरफ से युवाओं में माई भारत टी शर्ट, कैप, पेन और डायरी का भी वितरण किया गया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त अभयराज यादव, द्वितीय स्थान प्राप्त अलकनंदा बर्नवाल तथा तृतीय स्थान प्राप्त अर्पित यादव को प्राचार्य द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इसके पूर्व परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्र गान संपन्न किया गया और गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए का भी सुमिरन किया गया। उसके पश्चात प्रचार के निर्देशन में एक स्वच्छता रैली गांधी तिराहे पर पहुंचकर प्रतिमा की साफ सफाई और माल्यार्पण करते हुए कॉलेज वापस लौटी। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन सांस्कृतिक परिषद के प्रभारी प्रोफेसर गीता सिंह ने किया। इस अवसर पर कल्चरल क्लब के संयोजक डॉक्टर अवनीश राय, NCC अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह, प्रोफेसर सुभाष चंद्र, प्रोफेसर अनिल श्रीवास्तव, प्रोफेसर सौम्य सेन, डॉक्टर प्रकाश चंद्र, डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर दिनेश तिवारी, प्रोफेसर राकेश, प्रोफेसर विजय कुमार, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर नवनीत, NY के अरुण पांडे सहित नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ का स्टाफ, NCCN SS और रोवर्स रेंजर्स के सैकड़ों के साथ अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।